में होती है, फैक्ट्री में होते हैं, प्लास्टिक होती है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये ड्राइंग शीट है, इन्हें आप एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपके घर में छोटा बड़ा कैंची है, इस कैंची से आप इंग्लिश का कैपिटल अक्षर पी शेप में कट लगाएंगे तो आपके सामने ये डिजाइन बनेगा। इसे कहते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी किसे कहते हैं? मोर। तो ये मोर के चोंच का डिजाइन है। यहाँ पर आप कैंची रखेंगे और फिर ऐसे गोल आकार से काटेंगे तो ये मोर के एक सिर का डिजाइन बनेगा। ऐसे आप मोर के सिर का डिजाइन बनाने के बाद यहाँ पर आप मोर के दो पंख बनाएंगे। ऐसे आप मोर के दो पंख बनाएंगे और ये कटे वाले हिस्से को इस तरह से बाहर निकाल देंगे। ऐसे बाहर निकाल देंगे तो ये मोर के दो पंख हैं। यहाँ पर आप मोर के दो पैर बनाएंगे, ऐसे गोलाकार से काटेंगे और कट से कट मिला के ये कटे वाले हिस्से को इस तरह से बाहर निकालेंगे तो आपके सामने ये मोर के दो पैर बन जाएंगे। यहाँ पर आप मोर के दो ऐसे गले वाले हिस्से से गोलाकार से काटेंगे और कट से कट मिला के ये कटे वाले हिस्से को इस तरह से बाहर निकाल देंगे तो आपके सामने एक मोर का डिजाइन तैयार है। अभी आपके सामने एक मोर है, इसका फोल्ड ओपन करेंगे तो बातें करते हुए दो मोर दिखेंगे आपको। आप आइटम को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसमें ये कलर पेपर का फोल्ड, ये कलर पेपर का फोल्ड आप इसके पंख के बीच में ज्वाइंट करेंगे। ऐसे पंख के बीच में ये कलर पेपर का फोल्ड ज्वाइंट कर देंगे तो आपके सामने एक डांसिंग पीकॉक तैयार हो जाएगा। ये मोर आपके सामने डांस करता हुआ दिखेगा। ऐसे आप वेस्ट पेपर की लाइन को उठाएंगे और इन्हें दोनों साइड में कलर पेपर के साथ में जोड़ देंगे। ऐसे कलर पेपर के साथ में ये वेस्ट पेपर की लाइन को आप जोड़ देंगे तो आपके सामने एक डांसिंग पीकॉक तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं कम पैसे में और कम खर्चे में। तो आपको ये डिजाइन अच्छा लगा? अब आप दूसरा डिजाइन देखें।